सीजन आते ही कई सारे चीज़ बनाई जाती है। ड्रिंक और जूस तो आपने कई बार बनाया होगा। हेलो फ्रेंड एंड फैमिली, वेलकम बैक टू माय कुकिंग चैनल। तो आज मैं लेके आई हूँ पके आम की मज़ेदार रेसिपी। ये एकदम नई रेसिपी है, एक बार आप इसे बनाइए। और इस बनाने के लिए ना तो आपको खोए मावा की ज़रूरत पड़ेगी, ना ही मिल्क पाउडर की। बहुत ही कम सामान में और कम टाइम में बनकर तैयार हो जाती है। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। उससे पहले वीडियो अच्छी लगी तो लाइक का बटन ज़रूर क्लिक कीजिएगा, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो सबसे पहले मैं इस रेसिपी बनाने के लिए 2 मैंगो ली हूँ। आप देख सकते हैं आम हमारी अच्छी है, और यहाँ पर बिना रेशे वाले आम का यूज करें आप। तो आम को हम काट लेंगे, और जब भी आम ले वो फ्रेश ले। और आप कोशिश करें कि आम में रेशे बहुत कम हो, ना के बराबर हो। वैसे आम ले, देखिए आम में बिल्कुल भी रेशे नहीं है। तो इसको हम कटिंग कर लेंगे पहले। और आम आप मीठा ले तो ज़्यादा बेहतर होगा, खट्टा आम बिल्कुल ना ले। तो यहाँ पर सारे आम को हम कट कर लिए हैं। अब एक मिक्सी जार लेंगे, और इसमें सारे आम के जो पल्प है उसको निकाल लेंगे। जैसे भी गर्मियों में बच्चों की स्कूल की छुट्टी पड़ गई है, बच्चों को रोज़ रोज़ कुछ ना कुछ खाने के लिए चाहिए नई नई चीज़ें। तो आप बच्चों के लिए भी बना सकते हैं, ये बहुत सी मज़ेदार सी बनकर रेडी होती है। तो यहाँ पर सारे पल्प को हम निकाल लिए हैं, और अब इसमें हम डालेंगे चीनी। तो चीनी मैंने ली है 1/2 कटोरी, और यहाँ पर आप देख सकते हैं मैं डाल रही हूँ 1/2 चम्मच इलायची पाउडर, छोटी वाली चम्मच से। तो आप, मैं यहाँ पर आपसे सजेस्ट करूँगी कि आप यहाँ पर इलायची ना डालें। ऐसे इलायची डालेंगे तो इसमें पिसेगी नहीं और काले काले इसके बीच दिखेंगे, इसलिए इलायची पाउडर ही डालें। और इसको हम पेस्ट बना लेंगे। देखिए जो भी मैंगो पल्प थे उसको मैंने मिक्सी ग्राइंडर में चला दिया है, अच्छे से स्मूथ पीस ले। और जो भी बच गए थे उसमें थोड़ी सी पानी डालकर मैंने फिर एक बार चला दिया, और उसको पानी को भी हमने इसी में डाल दिया। अब यहाँ पर मैं ली हूँ 1/2 कटोरी सूजी। तो सूजी आप यहाँ पर कोई भी ले सकते हैं, बारीक वाली भी, उपमे वाली भी। इसको एक बार हम मिक्सी ग्राइंडर में चला लेंगे। तो देखिए हमारी सूजी कुछ कुछ ऐसे हो जाएगी, बारीक हो जाएगी, और ये वैसे भी बारीक वाली सूजी थी। तो चलिए गैस की तरफ चलते हैं। यहाँ पर मैं ली हूँ एक पैन। ये पैन हमारा नॉन स्टिक नहीं है, नॉन स्टिक नहीं है, फिर भी इसमें देखिए चिपकेगा नहीं। पहले हम इसमें डाल देंगे 2 चम्मच घी। ये देसी घी है, आप चाहो तो यहाँ कोई भी जूस ऑयल यूज कर सकते हैं जिसका अपना फ्लेवर ना हो। आपको घी खाना पसंद नहीं है तो, जैसे कि आप सनफ्लावर में भी आप बना सकते हैं, पर घी में टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। तो देखिए चारों तरफ हमने पैन में लगा दिए ताकि हमारी सूजी और जब मैंगो पल्प डाले तो वो चिपके ना पैन से। तो सूजी को हम मध्यम आंच पर भूनेंगे। ज़्यादा हम गैस के फ्लेम हाई रखेंगे तो सूजी हमारी जल्दी से कलर आ जाएगा और ये अच्छी सी भूनेंगी नहीं। तो देखिए यहाँ पर सूजी को भूनते हुए हमको कलर कैसे आ गया, हल्का हल्का सा ब्राउन हो गया सूजी। सूजी को आप हमेशा, इस रेसिपी को हम मध्यम आंच पर ही बनाएंगे। अब इस समय जो मैं मैंगो पल्प डाल रही हूँ उस समय मैं गैस के फ्लेम को बिल्कुल लो कर दी हूँ, ताकि जब हम पल्प डालें तो सूजी एकाएक जब ना करे। हल्के हल्के से हम इसको मिलाएंगे, और तब सूजी इस सारे मैंगो पल्प को पिएगी तो अच्छी बनेगी, इसमें गांठ भी नहीं आएंगे। जो भी गांठ है हम अच्छे से इसको ऐसे इक्वल घुमाते जाएंगे। और इसकी देखिए एक हमारी मैंगो पल्प थोड़ी सी रह गई थी, उसको हम निकाल लेंगे। ऐसे रहेगी तो हमारी रेसिपी ख़राब हो सकती है, इसलिए हम इसको पहले ही निकाल लेंगे। अभी जो भी बच गया था बर्तन में उसको भी अच्छे से हम साफ़ करके इसमें डाल लेंगे। और इसको ऐसे ही घुमाते हुए हम जब तक भूनेंगे तब तक कि हमारा ए पल्प, मैंगो पल्प ड्राई ना होने लगे। तो इसको ऐसे लगातार ही चलाते हुए भूने। गैस के फ्लेम यहाँ लो ही रखे, और ज़्यादा हाई वे करेंगे तो एकाएक सूख जाएगा, पर हमारा जो ये बना रहे हैं रेसिपी वो अच्छा नहीं बनेगा। तो देखिए यहाँ पर भूनते हुए हमको लगभग 6 से 7 मिनट हो गया है, तो अब ये ड्राई होने लगी है। अभी देख सकते हैं पैन अभी पूरी तरह से छोड़ी नहीं है। तो यहाँ पर मैं डाल रही हूँ 1 चम्मच और घी। यहाँ पर घी डालना ऑप्शनल है, आप चाहो तो डालो, नहीं डालो आपकी मर्ज़ी है। तो यहाँ पर घी डालकर भूनेंगे ना तो और अच्छे से भुनेगा। देखिए ये हमारा
नॉन स्टिक पेन नहीं है, फिर भी देखिए कैसे ये छोड़ रहा है। जैसे जैसे ये भुनेगी वैसे वैसे ये पेन को छोड़ेगी। तो देखिए यहाँ पर भूनते भूनते हमको कुछ और मिनट लगा है, 2 मिनट और हम भून लिए हैं। अब इसमें हम डालेंगे कुछ अपने मर्जी से, अपने पसंद से ड्राई फ्रूट ऐड करेंगे। तो यहाँ पर मैं डाली हूँ 6 से 7 कटी हुई काजू, और 1 बड़े टीस्पून के करीब मैं इसमें ड्राई कोकोनट डाल रही हूँ। मैंगो में ड्राई कोकोनट का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा लगता है, टेस्टी लगता है। तो इसको डालकर हम अच्छे से फिर इसकी भुनाई करेंगे जब तक ये पेन ना छोड़ने लगे। तो देखिए ऐसे ही लगातार इसको मध्यम आंच पर भूनिए, मध्यम आंच पर भूनिए। और इसको हम हाई फ्लेम पर भूनेंगे तो जल्दी भून तो जाएगी पर वो टेस्ट नहीं आएगा और अच्छा पकेगा भी नहीं। तो इतना इसको भूनना है जब तक कि ये अच्छे से पेन ना छोड़ने लगे। और ये देख सकते हैं कैसे भून के ड्राई ड्राई सा हो गया, और इसका कलर भी देखिए कितना येलो येलो सा आया है। इसमें मैंने कोई भी फूड कलर यूज नहीं किया है, और इसका थिकनेस आप देख सकते हैं, इतना ही चाहिए हमको। तो चलिए इसको अब जमाते हैं। तो इसको जमाने के लिए, बर्फ़ी जमाने के लिए मैं यहाँ पर एक थाली की यूज की हूँ, आप कोई भी बर्तन ले सकते हैं यहाँ पर। तो चलिए अब इसको हम चारों तरफ से बटर लगाकर लगा ले रही हूँ ब्रश की सहायता से। आप कोई भी ऑयल या देसी घी लगा सकते हैं यहाँ पर, और गर्मा गर्म इसको हम ट्रांसफ़र कर देंगे पैन से इस थाली में, और इसको पलटे की सहायता से अच्छे हम इसको फैलाते जाएंगे और इक्वल फैलाएंगे, ना कहीं ज़्यादा मोटा नहीं पतला, इक्वल शेप में हम इसको फैलाएंगे। और यहाँ पर देखिए पलटे में कुछ चिपक रहे थे तो मैंने इसमें थोड़ा सा बटर लगा लिया ताकि ये चिकना चिकना सा हो, ऐसे होगा तो अच्छा नहीं लगेगा देखने में, इसलिए चिकना चिकना से इसको करें ताकि बच्चों को भी खाने में मज़ा आए और देखने में भी अच्छे लगे। जो देखने में अच्छा लगता है तो खाने में भी अच्छा लगता है। और इसको अच्छे से हम क्यूब शेप में कर रहे हैं, इसको हम चाकू शेप में कटिंग करेंगे इसलिए। तो यहाँ पर देख रहे हैं हमारा जो बर्फ़ी जमाने के लिए मैंगो के पल्प किए थे वो कितनी अच्छी से भुनाई हुई है कि इसमें थाली में भी थोड़ी सी भी अभी नहीं चिपक रही है, गरम गरम है फिर भी। तो जब हमारी अच्छे से पक जाती है ना तो यही इसका होता है पहचान कि ये हमको समझ में आ जाता है, वो चिपकता नहीं है। आप हाथ को भी लोगे तो ये चिपकेगा नहीं, और इसको आप अपने मनपसंद शेप में कटिंग कर सकते हो। तो यहाँ पर हम कुछ इसको गार्निशिंग कर सकते हैं। तो थोड़े से मैंने कोकोनट लिया है और थोड़ी सी मैंने ली है पिस्ता, पिस्ता को मैंने कटिंग कर दिया है और बीच से, और इसको हम इस पर सेट कर देंगे, डाल देंगे ताकि गार्निशिंग कर देंगे, ताकि अच्छे से हमारी बर्फ़ी जब सेट हो ना तब ये ड्राई फ्रूट्स उसमें सेट हो जाए। कटिंग करते समय डालेंगे तो निकलेगी। और इसको आधे घंटे के लिए आप रूम टेम्परेचर पर छोड़ दो या फ्रिज में रख दो, और आधे घंटे बाद हमारी देखिए बर्फी कितने अच्छे से सेट हो गई है। अब हम इसको मनपसंद शेप में कट करेंगे, चकोर तिकोना या गोल जैसे आप पसंद करते हैं वैसे कट कर सकते हैं। देखिए हम इसे चकोर शेप में काट रही हूँ, आप चाहे तो अपने पसंद से काट सकते हैं। और ये देखिए मैंगो की बर्फ़ी बनकर तैयार है, सॉफ्ट टेस्टी और स्वादिष्ट बनी है, जो भी देखे खाए बिना रुक नहीं सकता है। देख सकते हैं आप इसकी टेक्सचर, घर के बेसिक चीज़ों से बनी है, ना तो इसमें कोई खोया मावा और ना ही कंडेंस मिल्क का यूज किए हैं हम, फिर भी इतनी सुंदर ये बनी है। आप चाहो तो इसको स्टोर कर सकते हो एयर कंटेनर बाटल में 10-15 दिन के लिए फ्रिज में स्टोर कर सकते हो। तो आज की ये रेसिपी आपको कैसी लगे हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और वीडियो अच्छी लगे, रेसिपी पसंद आए तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। फेसबुक इंस्टा पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कीजिए प्लीज़, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन ऑल पर प्लेस करें ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे हमारी वीडियो की। और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।